हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए फाइनल डेस्टिनेशन 3 एक्सप्लेन करेंगे। कहानी एक अम्यूजमेंट पार्क से शुरू होती है जहां कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स मज़ा करने के लिए आए होते हैं। ये चार दोस्त का ग्रुप होता है और इस मूवी की नैरेटर वेंडी भी उनमें मौजूद होती है। वेंडी को एक इंट्रोवर्ट दिखाया जाता है और वो अपने कॉलेज की यादें कैमरे से कैप्चर कर रही होती है। उसको वहाँ पर अपनी छोटी बहन भी दिखती है जो उसके कॉलेज में नहीं जाती है। वेंडी और उसकी बहन की बहस हो जाती है क्योंकि वो उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वेंडी को एकदम से अपने इर्द गिर्द साइंस देखने लगते हैं जिनसे वो काफ़ी घबरा जाती है। ये डेथ के साइंस उसको अम्यूजमेंट पार्क में बहुत बेचैन कर देते हैं। अम्यूजमेंट पार्क की सबसे स्पेशल बात उसकी रोलर कोस्टर राइड होती है और वो लोग राइड पर जाने का प्लान बनाते हैं। वेंडी की घबराहट बढ़ने लगती है और वो अपने बाकी दोस्तों की तरह एक्साइटेड नहीं होती है। अम्यूजमेंट पार्क में एक बड़े से डीमन का स्टैचू होता है और वेंडी का ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा होता है। जब रोलर कोस्टर में बैठने का टाइम आता है तो वेंडी की घबराहट बढ़ जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसको लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन वो उसे समझाता है कि जब लोग डरे होते हैं तो उनको अजीब व गरीब ख्याल आते हैं। चूँकि वो रोलर कोस्टर से डरती है इसलिए उससे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। वेंडी रोलर कोस्टर पर बैठने के लिए मान जाती है लेकिन आगे बैठने से इनकार कर देती है और पीछे सीट बदल के चली जाती है। राइड स्टार्ट होने से पहले वो कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ के मैनेजमेंट उसे कैमरा ले लेती हैं, इस वजह से कि ऐसे लूज ऑब्जेक्ट्स को राइड पे लेके जाना मना है जो वहाँ से गिर सकें। फ्रैंकी जब देखता है कि वेंडी का कैमरा ले लिया गया है तो वो अपना हैंडीकैम छुपा देता है। रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है और शुरू में सब बहुत इन्जॉय करते हैं, लेकिन जब फ्रैंकी अपना हैंडीकैम निकाल कर सामने बैठी दो लड़कियों की वीडियो बनाने की कोशिश करता है तो वह हाथ मारकर उसका कैमरा गिरा देती हैं। वो कैमरा गिरकर रोलर कोस्टर की पटरी के साथ लिपट जाता है। उसके ऊपर से रोलर कोस्टर गुजरने की वजह से रोलर कोस्टर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और रोलर कोस्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस वजह से सभी लोगों का सेफ्टी लॉक भी खुल जाता है और एक एक करके सब लोग मरने लगते हैं। केविन अपने दोस्त लुइस को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बचा नहीं पाता है और उसके बाद केविन की भी मौत हो जाती है। वेंडी भी रोलर कोस्टर से गिर के मर जाती है। उसी मौके पर वेंडी एकदम से उस ख्याल से निकल पड़ती है जैसे कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो। जब वही चीज़ें होने लगती हैं जो उसने अपने ख्याल में देखी थी तो वो शोर मचाना शुरू कर देती है कि झूला ख़राब हो जाएगा और सब मर जाएंगे। केविन भी उसको समझा नहीं पाता और वो वहाँ की सपोर्ट टीम उसे रोलर कोस्टर से उतार देती है। उसके साथ और भी कई लोग झूले से उतर जाते हैं। लुइस वेंडी को उल्टा सीधा बोलने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जेसन और कैरी को झूले की टीम उनके कहने के बावजूद उन्हें नहीं उतारती और झूला चल पड़ता है। वेंडी जेसन के लिए चिल्लाती है ताकि उसे बचा सके लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट उसे निकाल देती है और तभी का ख्याल पूरा होता है और वो रोलर कोस्टर का एक्सीडेंट हो जाता है। मूवी का अगला सीन उसके कॉलेज के लॉकर रूम में होता है जहां एक्सीडेंट के बाद सब लोगों के लिए एक मेमोरियल रखा गया होता है। वहां से निकलने के बाद उसे केविन मिलता है जो उसको ड्रॉप आउट होने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है। केविन उसे फ्लाइट 180 का वाकया भी सुनाता है कि कैसे उस वाक़े में भी किसी एक इंसान को ऐसा ख्याल आया था लेकिन उसने अपने साथियों को बचा लिया था और बाद में मौत एक एक करके उन सब से निमट गई थी। वेंडी उसका यकीन नहीं करती। वापस जाकर वो कैमरे की तस्वीरें देख रही होती है और उसको डीमन स्टैचू के साथ जेसन की तस्वीर दिखती है और उसको आहिस्ता आहिस्ता केविन की बात का यकीन आ जाता है। वो बाकी तस्वीरों को भी देखती है और उस हर तस्वीर में उसे एक क्लू मिलता है। वो एशले और उसकी बहन की तस्वीर देखने पर उसको कॉल करती है लेकिन वो उसका फ़ोन नहीं उठाती। वो उस टाइम पर स्किन टैनिंग करवाने गई होती हैं। उस क्लिनिक में मैनेजमेंट के बिजी होने पर खुद ही टैनिंग मशीन शुरू कर देती हैं। वो ना सिर्फ रूम टेम्परेचर चेंज करती हैं बल्कि उस कमरे में लिक्विड्स भी ले जाती हैं जो सख्ती से मना होता है। मशीन की सेटिंग्स की इस गड़बड़ की वजह से जब वो उसमें लेटी होती हैं तो टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जाता है और उनसे मशीन से निकला नहीं जाता। मशीन में आग लग जाती है और वो जल के मर जाती हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि मैनेजमेंट का बंदा कुछ अजीब चीज़ों की वजह से अंदर नहीं आ पाता, जैसे कि दरवाजे का बंद हो जाना बल्कि उस दरवाजे का फंस ही जाना। वेंडी केविन से उन बहनों के जनाजे में मिलती है और वो मिलकर प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि कैसे उन तस्वीरों में मौजूद क्लूज़ को यूज़ करके वो मौत को टालेंगे। इस डिस्कशन के दौरान वो एक रेस्टोरेंट के ड्राइववे में होते हैं
जब एक बगैर ड्राइवर के ट्रक उनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो उनके पीछे मौजूद गाड़ी को टक्कर मार देता है जिससे उसमें मौजूद आदमी मर जाता है। बाद में उनको मालूम पड़ता है कि वो आदमी फ्रैंकी था जो कि उनके साथ राइड से उतरा था। वो तस्वीरों को डिसाइफर करते हैं और लुइस को बचाने निकल जाते हैं। वो जिम में होता है और उनकी बात नहीं मानता और वहीं पे एक एक्सरसाइज मशीन के कोलैप्स होने से लुइस भी मर जाता है। वेंडी खुद को इन सब अमवात का जिम्मेदार समझती है लेकिन केविन उसको हौसला देता है। इसके बाद वो मैकिनी और उसकी बीवी के पास जाते हैं ताकि उनको वार्न कर सकें, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ उनका मजाक उड़ाते हैं। और वहीं पे मैकिनी की बीवी की मौत नेलिंग मशीन से हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है और उनसे पूछगिछ करती है, लेकिन वेंडी और केविन को उनको छोड़ना पड़ता है, लेकिन उनका शक उन्हीं पर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि अब अगला नंबर उसकी बहन का है। उसकी बहन एक फंक्शन पे गई होती है तो वो दोनों वहाँ उसे बचाने के लिए पहुँच जाते हैं। उस फंक्शन में दो बच्चों की शरारत की वजह से एक घोड़ा बेकाबू हो जाता है और उसकी रस्सी जूली की गर्दन में फंस जाती है और वो उसे घसीटने लगता है। लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं और कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जूली के साथ दूसरी लड़की कौन बैठी थी, क्योंकि वो भी तस्वीर के अंदर मौजूद थी। जैसे ही उनको मालूम पड़ता है कि वो उसकी दोस्त थी, तभी एक भाला उसकी कमर में आके लगता है और उस लड़की की मौके पर ही डेथ हो जाती है। इसके बाद वेंडी किसी तरीके से केविन को भी मौत से बचा लेती है। केनी उस फंक्शन पे उनको मारने के लिए पहुंच जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो वेंडी को मार देगा तो ये मौत का सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसको नहीं मालूम होता कि मौत इस तरह फंक्शन नहीं करती। चूँकि मौत का एक सर्कल पूरा हो गया होता है तो उसके बाद अगला नंबर केनी का ही होता है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं होता और तभी उसके ऊपर एक पोल गिरने से उसकी डेथ हो जाती है। मूवी का अगला सीन 5 महीने के बाद शुरू होता है। वेंडी एक मेट्रो पर सफ़र कर रही होती है जब उसको मौत के साइंस दिखने लगते हैं। वो एकदम से घबरा जाती है और मेट्रो से उतरने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसको वहाँ अपनी बहन जूली मिल जाती है और वो बैठ के बातें करने लगते हैं। वेंडी उसको बता रही होती है कि कैसे उसको मौत के साइंस दिख रहे हैं, लेकिन तभी उसे वहाँ पर केविन दिख जाता है। वो उसके साथ में अपना ख्याल शेयर करती है कि कैसे उसे घबराहट हो रही है और वो अभी ये समझ नहीं कि लगते हैं कि मौत का सर्कल दोबारा से शुरू हो गया है, कि मेट्रो का एक्सीडेंट हो जाता है और वेंडी ट्रैक पे गिरती है और उसके सामने से एक ट्रेन उसके ऊपर से गुजर जाती है। वेंडी एक झटके से उस ख्याल से बाहर आती है और उठने पर वो तीनों को बताती है कि उसने भी क्या देखा। वो समझ जाते हैं और मेट्रो को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। हमें नहीं मालूम पड़ता कि वो मौत को टाल पाएंगे या नहीं, और इसी सस्पेंस के मोड पर मूवी ख़त्म हो जाती है।